बीजापुर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा भोपाल के लिए एक कूच करते हुए वहां पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए रवाना किया गया है। उन्होंने का कहना है कि अगर उन्हें नियमित नहीं किया जाता है तो वे और आंदोलन करेंगी और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर चले जाएंगी। इस मामले में हमारे संवाददाता पंकज श्रीवास ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रतिनिधि से बात भी की। की अध्यक्ष हूँ, परियोजना बीजापुर जिला सुपुर से हैं। हम भोपाल जा रहे हैं हमारी लंबित मांगों के लिए। हमारा एक दिन का धरना प्रदर्शन है, तो हम हमारा जो भी मांग अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं मानी तो आगे के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अगर मान लिया तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं माने तो फिर हम इनके लिए कभी आगे के लिए कोई वोट नहीं देंगे। आपकी मांगे क्या हैं? हमारी मुख्य मांग ये है, सबसे पहली मांग ये है कि हमको परमानेंट किया जाए, और ये है कि हमारी अक्टूबर 2018 में हमको कांग्रेस सरकार ने 1800 रुपये 1500 रुपये बढ़ाए थे, तो उनको क्या है जो सरकार आई थी भाजपा की, उन्होंने हमारे घटा दिए, और वो भी हमें 2018 से एरियल सहित भुगतान चाहिए। और सबसे पहले हमको परमानेंट किया जाए, और जो हमारा आंगनवाड़ी का टाइम है वो 9 बजे से 4 बजे तक रखा है, तो उसमें भी सुधार किया जाए, और भी अन्य मांगे हैं। थैंक यू। हड़ताल के लिए आप कहाँ जा रहे हो? भोपाल जा रहे हैं। भोपाल जाओगे यहाँ से? कितने आपके साथ कौन कौन जा रहा है, कितने क्या है, कुछ जानकारी बताओगे? हमारे साथ परियोजना बीजापुर से, वीरपुर से, और सारे सेक्टर हैं पूरी, और जिला श्योपुर से भी, सभी जगह से, पूरे मध्य प्रदेश से कार्यकर्ता बहनें आ रही हैं। तो हमारे यहाँ से 3 बस जा रही हैं और 4 गाड़ी जा रही हैं। थैंक यू।